नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रेयांश ज्वेल में। दोस्तों, इंडियाज बेस्ट डांसर 3 का कमाल का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट का एक से बढ़कर एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। वहीं ऑडियंस को इंतजार था कि इस वीक शो में एलिमिनेशन जरूर होगा। जी हाँ, इस वीक एलिमिनेशन का अनाउंस किया गया और यह एलिमिनेशन काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं था कि मेकर्स कुछ ऐसा करेंगे। जहां हमें पता है कि लास्ट एलिमिनेशन सुष्मिता का हुआ था, वहीं हम यही जानना चाहते थे कि इंडियाज बेस्ट डांसर में अब किसे एलिमिनेट किया जाएगा और किसे कब कम स्कोर की वजह से बॉटम में रखा गया। आप सभी को बता दें तो इस वीक सभी कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शानदार हुआ, जहां सभी कंटेस्टेंट ने अपनी परफॉर्मेंस से जजेस का दिल जीत लिया और सभी कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस खत्म हुआ तब शो के होस्ट जय भानुशाली ने एलिमिनेशन को लेकर अनाउंस किया, जहां हम सभी को लगा था कि शो में इस वीक एक एलिमिनेशन तो होगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। शो के होस्ट ने अनाउंस किया कि जजेज 3 वीक तक स्कोर देखेंगे और जिस कंटेस्टेंट का स्कोर सबसे कम होगा उसे बॉटम में रखा जाएगा और उसके बाद एलिमिनेशन अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों, अब शो में एलिमिनेशन 3 वीक के बाद होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि 3 वीक के बाद होने वाला एलिमिनेशन का डिसीजन सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।